Tangential and normal velocities and acceleration. पहला चैप्टर था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, उसका वीडियो जो पड़ा हुआ है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, प्लेलिस्ट दे दिए हैं दोनों ग्रुप में, तो हाँ वो वीडियो थोड़े से उनकी क्वालिटी डाउन करेगी क्योंकि पुराने क्वालिटी से बनेंगे, कैमरा आगे फोकस ले रहा था तो कम। एक पीडीएफ वाले हिस्से से वहाँ पर मेहनत करना, पीडीएफ पहले निकालो उसके बाद जहाँ कैमरा आगे फोकस ले वीडियो अपना चलाए रखो, उसको रोको मत दीजिए, हर वहाँ पर देखते रहो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जितना पीडीएफ लिखे हैं उतना सब कुछ बाय द वे, अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं होगा तो बताना, फिर ग्रुप में दोबारा नहीं शेयर करेंगे और नहीं तो फिर कोशिश करेंगे ड्राइव में सेव करके पीडीएफ ड्राइव का लिंक नीचे चिपका दें जहाँ पर रहता है कौन सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर चिपका दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ होगा। अभी तो फिलहाल सेकेंड चैप्टर पर आओ, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन, नाम से ही उनके काफ़ी है। सारे लोग चैप्टर का नाम लिखे, सुनो क्या होता है, अगर पार्टिकल किसी पाथ पर मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल किसी पाथ पर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है तो इस वेलोसिटी के दो हिस्से टूटते हैं। पहला हिस्सा किस पॉइंट पर, जहां पर पार्टिकल पहुंचा हुआ है, इधर इधर बात सुनो, पार्टिकल जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं, मान लो पार्टिकल की पोजिशन कहाँ पर है, कैपिटल पी पर है, उस दौरान वेलोसिटी का एक हिस्सा काम करता है टेंजेंट के अलावा, पॉइंट कैपिटल पी पर खींचे गए टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी का एक हिस्सा काम करता है, यानी दिस इज द रिजल्ट पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। तो वेलोसिटी का जितना हिस्सा टेंजेंट के अलोंग आ रहा होता है उसको नाम दिया जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। The resultant part of the velocity along the tangent known as the tangential velocity. और इसी पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी का जितना हिस्सा आ रहा होता है, अगर हम इस पॉइंट पर यानी टेंजेंट पर एक नॉर्मल ड्रा करें तो वेलोसिटी का जितना हिस्सा या वेलोसिटी का जितना कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेलोसिटी, सॉरी नॉर्मल के अलोंग काम कर रहा उसको बोलते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। और देखो यही बात होती है किसके एक्सीलरेशन की, यानी सीधे सीधे एक लाइन में कहा जाए रिसॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी अराउंड द टेंजेंट नोन एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, रिसॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी अराउंड द नॉर्मल नोन एज द नॉर्मल वेलोसिटी, रिसॉल्व पार्ट ऑफ द एक्सीलरेशन अराउंड द टेंजेंट नोन एज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रिसॉल्व पार्ट ऑफ द एक्सीलरेशन अराउंड द नॉर्मल नोन एज द नॉर्मल एक्सीलरेशन। बस यही इतना, वेलोसिटी का पूरा जैसे फोर्स था, फोर्स काम तो कर रहा था लेकिन एक कंपोनेंट एक्स के अलावा और एक कंपोनेंट किधर जा रहा था वाई एक्सिस के अलावा, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट आपका फोर्स हो रहा था। इसी तरीके से वेलोसिटी का हाल होता है, पार्टिकल अगर पॉइंट कैपिटल पी पर और तो पी पर खींचे गए टेंजेंट के अलावा वेलोसिटी का जितना हिस्सा होगा स्विच ऑन किसके अलावा मिले टेंजेंट के अलावा, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जितना नॉर्मल के अलावा जाएगा उसको नाम देंगे नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक, और सेम बात कहते हैं किसके लिए एक्सीलरेशन, डेफिनेशन लिखी जाए हेडिंग का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन, जो ऊपर चैप्टर का नाम लिखो वही हेडिंग का, जो ऊपर चैप्टर का नाम है लिखो वही हेडिंग का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन। यही जो लापरवाही का ही रखते हैं ना, यही बात पड़ रही है, ग्रुप में मैसेज करके चलिए कि कितने बजे क्या क्या पढ़ाया जाएगा कुछ बताया जाए। हाँ कल नहीं आई थी, इनको बात खूब बुरी लगी, साल भर इनको बात बुरी लगी, वॉइस वाला ग्रुप ओपन करो,
57 लोग उसके मेंबर हैं, एक हमको छोड़ दो 56 लोग मेंबर हैं, तो लड़कों की दुनिया में कितने का बसेरा 56 का, 10 साल में 47 है, हमको छोड़ दो, हम तो है एडमिन के तौर पर, हमको छोड़ दो, तो बाकी उसमें कितने का बसेरा 46 का बसेरा। आप सोचो ये लोग कितने हैं, 50-40-90 ऐसे हो गए सीधे सीधे, और 100 कितना हो, 102 102 और मेरी क्लास में कितने टेस्ट वाले थे, 63, उसके बाद ही क्रिकेट गिरे ना। सोचो ये 102 लोग जो आए, ना तो इन्होंने ग्रुप छोड़ा, ना इन्होंने ग्रुप छोड़ा, बात इनको बुरी लगती है, पढ़ना ही तो है, टोका गया पढ़ने के लिए। अब आओ अब कौन बड़ा देखिए, जो स्किन दिया इंडिया जनता में भरा सकते हैं, पर सबसे पूछ रहे थे कि कुछ याद रहे, कुछ याद रहे, कुछ याद रहे, अब सिचुएशन बनता बन चुका। अब लगेगा भैया कुछ छोड़ के नहीं गए, ये ग्रुप छोड़ के गए, ये वीडियो भी हाँ जैसे मिलता तैसे तक ले आते हैं वीडियो, ऐसा कोई पता नहीं चलता, कहाँ पता चल जाता। These are the कौन, ये tangential normal velocities, tangential normal acceleration, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं कि हम heading डालें tangential velocity, फिर लिखें this is the resolved part of the velocity along the tangent, फिर heading डालें tangential acceleration, this is the resolved part of the acceleration along the tangent, और यही बात फिर हम किसके लिए लिखें, normal नहीं, हम एक line की बात खत्म कर देंगे। These are, ये सभी कौन कौन, चाहे आप बात करो tangential velocity की, चाहे आप बात करो normal velocity की, चाहे आप बात करो tangential acceleration की, चाहे बात करो normal acceleration की, these are, ये सभी हैं the resolved part of the velocity and acceleration along the tangent and along the norm। ये tangent और normal के अलावा जो आपका हिस्सा टूट रहा है velocity का या acceleration का, ये बात है, इतना इसी बात को। These are the resolved part, these are the resolved part of velocities and acceleration along the tangent and normal, along the tangent and normal respectively, tangent and normal respectively, ये velocity के और normal के, सर ये velocity के और acceleration के part होते हैं, resolved हिस्से होते हैं जो tangent के अलावा और normal के अलावा काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको tangential velocity, tangential acceleration, normal velocity या normal acceleration। सबसे पहला कैलकुलेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो सकती है उसे कैलकुलेट किया जाएगा, और एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है कैलकुलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट कैपिटल टी एट अ पर्टिकुलर टाइम डेल्टा, वो कैलकुलेट करने के लिए चलो फार्मूला निकालते हैं। डेफिनेशन हो गई सबकी, मिटाया जाए फिगर बनाओ फिर समझाते हैं।
पहले फिगर बना लो, फिर बनता है। और ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया कैपिटल के, यहाँ से तीन छक के डिस्टेंस। पहले फिगर बना लो, जिन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है दूर से वो लोग ध्यान से सुने। एक कर्व है, ये एक कर्व है ए पी यू, जहाँ पर पी और क्यू साइड बाई साइड नाइबरहुड पॉइंट है, एकदम बगल के दूर दूर दिखाया गया है ताकि एकदम जस्ट बगल के पॉइंट है। ए से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉलेस्ट है। पॉइंट कैपिटल पी पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट इसके साथ जो एंगल बनाता है वो कौन है, साई। तो इसकी पोजिशन है फिक्स पॉइंट से दूरी लेस है और साई एंगल है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा यस गामा साई। चूंकि कैपिटल पी इसका नाइबरहुड पॉइंट है तो यस में थोड़ा सा बदलाव होगा, एंगल साई में थोड़ा सा बदलाव, तो इसका कोऑर्डिनेट यस प्लस डेल्टा साई और साई सॉरी एस प्लस डेल्टा एस और साई प्लस डेल्टा साई। और कार्ड पी क्यू बना दिया, कार्ड पी क्यू जीवा पी से क्यू को मिलाने वाली सीधी लाइन वो आपकी कार्ड पी क्यू है। कार्ड पी क्यू और क्यू से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट द क्यू एन। ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत बहुत माइन्यूट एंगल है, इसलिए इसको कितना मान लिया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत छोटी पॉइंट। अब पूरा फिगर बना दिया, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा
Tangential velocity at the point capital P is equal to limit delta t approaches to the zero. Displacement along the tangent at capital P in time delta t. Delta t time में point capital P पर खींचे गए tangent के along कितना आपका displacement हुआ और divided by time delta t. ये आपकी tangential velocity होगी. और देखिए चेंज कितना हुआ जब आप टेंजेंट के लॉन्ग चल रहे हो कितना चेंज आप में आ रहा है. दिस इज इक्वल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो. अब सारे लोग बात सुन, ये बताओ पार्टिकल टेंजेंट पर तो चल नहीं रहा, पार्टिकल तो कर पर चल रहा है और कर पर पार्टिकल ये कुछ ऐसा चल रहा है इस तरीके से यहाँ, लेकिन आपको पॉइंट कैपिटल टी पर एक टेंजेंट खींच करके दे दिया गया. ये पॉइंट कैपिटल कोई मुझसे पूछा है तुम चल के इस कर्व पर रहे हो, लेकिन जब तुम इस कर्व पर चल रहे हो तो तुम्हारे टेंजेंट पर जब तुम चल रहे होगे उसके अलावा कितने का बदलाव आ रहा है कैसे नापा जाए. सिंपल सा क्राइटेरिया चलेंगे हम इसी पर, लेकिन बगल वाले रास्ते पर मेरा कितना असर पड़ रहा है, बगल वाले रास्ते पर हम किस हिसाब से बदल रहे उसके लिए हम अपनी फाइनल पोजिशन से एक परपेंडिकुलर मेरा कि नहीं. तो इसका मतलब जिस वक्त हम कर्व पर P से चल करके कहाँ तक पहुँचे थे, क्यों तक पहुँचे थे, अगर हम इस रास्ते पर चलते तो हम सीधे कहाँ पर आकर के टकराते, टेन पर जाएगा. यानी टेंजेंट पर उस दौरान डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में हम P से पहुँच गए कहाँ तक, क्यों तक, तो टेंजेंट पर चल रहे हो तो P से पहुँचते कहाँ तक, टेन तक. इसका मतलब ये काम होगा क्लियर हुआ, क्लियर क्योंकि हम डेल्टा टी टाइम में एस से चल करके पी से चल के कहाँ तक पहुंचे, क्यों तक, तो क्यों से परपेंडिकुलर डाल दिया, पता चल गया हम टेंजेंट पर कहाँ पहुंच रहे होते, सॉरी पी से लेकर के कहाँ. इतनी बातें सबको क्लियर है, तो ये आपका लिखा रहेगा दिस इज इक्वल टू टेन. सामने अभी ट्राइंगल तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, ट्राइंगल देखना हमारे पास ट्राइंगल गेट P से लेकर के Q तक का हिस्सा और इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये आपका ठीक है, ये स्मॉल एंगल एप्सिलॉन भी तो माना गया है. आपको क्या चाहिए, बेसिक तो चाहिए, बेस चाहिए, तो ये तो PN बराबर कितना होगा, PN बराबर सीधा रास्ता जो आते आप ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का मतलब हम लोग कार्ड पी क्यू बनाएंगे. नहीं 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 वो अभी नहीं लिख सकते, बाद में लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट बराबर बहुत माइन्यूट अंतर है ना, तो एक छोटा सा आर्क एक सीधे लाइन के तौर पर बिहेव करेगा, लेकिन अभी नहीं लिख सकते, अभी तो अपने को पार्ट पी क्यू लिखना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो पार्ट पी क्यू अपॉन डेल्टा टी. समझ करके करो तो बहुत आसान है. कार्ड PQ इनटू कॉस एप्सिलॉन ये होता है, कार्ड PQ इनटू कॉस एप्सिलॉन. किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम सीख सकते हैं. दिस इज इक्वल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो. सारे लोग लिखना बंद करो, इधर देखो, इधर देखो, इसको हम लिखने जा रहे हैं कॉट पी क्यू डिवाइडेड बाई आर पी क्यू इंटू आर पी क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू कॉस. अब भी क्या हमें पुरानी बात कीजिए, आर पी क्यू आर पी क्यू कैंसिल आउट, कॉट पी क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कॉस पड़ा हुआ है, लेकिन अब गौर करना यहाँ से सारा किस्सा पलट चुका है. दिस इज इक्वल जिस वक्त लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है किधर, जीरो पे, मतलब टाइम बहुत कम है, इतना कम टाइम है कि आप कह रहे हो कि हम टी से उठकर जस्ट बगल में क्यों के चल गए,
तो जो छोटा आर्क होता है वो एक सीधे लाइन के तौर पर बिहेव करेगा। मतलब उस दौरान पार्ट पीक्यू और आर्क पीक्यू आपस में लगभग क्या होंगे, एक बराबर। तो इसका मतलब लिमिटिंग बिहेवियर अगर एक का देखा जाए तो लिमिटिंग बिहेवियर दोनों के बराबर होने का है, और अगर दोनों बराबर है तो इसकी लिमिट क्या है, सारे लोग जानते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू द जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, पार्ट पीक्यू और आर्क पीक्यू कितना आएगा, बढ़ाएगा। लेकिन गौर करना उस दौरान ये आर्क पीक्यू कौन है, आर्क पीक्यू ये इतना हिस्सा, ये बताओ पहले ए से पी तक कितना था, यस, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना लिखे, यस, फिर आप पी से क्यू तक आए तो कितने बढ़ोतरी हुई, डेल्टा एस। तो इसका मतलब ये जो आर्क पीक्यू है ये केवल कितना है, डेल्टा एस। तो ये आपका बनेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और अभी लिमिटिंग नीचे चल रहा है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो, समझते हो, कोई लिखने नहीं कहा से एप्सिलॉन। एक बात सोचो, जब आपका डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब बहुत कम है, तो एप्सिलॉन भी तो बहुत छोटा एंगल होगा, और जब एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा इट मीन एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो एप्सिलॉन अप्रोचेस आल्सो जीरो, आया ना, और एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो इसका मतलब कॉस एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द वन, कॉस जीरो कितना वन। तो लिमिटिंग नेचर की बात करें तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, और कुल मिला करके दिस इज इक्वल टू डी एस अपॉन जमीन पर दूरी तय कर रहे हो और डिवाइडेड बाई टाइम, भाई तो आपका वेलोसिटी होता था तो डी एस अपॉन डी टी, अभी आप किस पर चल रहे हो आर्क पर, तो आर्क पर लेंथ अपॉन टाइम तो एस अपॉन डी वन, ये डी एस बाई, ये आपका पॉइंट होगा, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्लियर है। इसको अभी बता दें, पहले ये पूरी बात लिख लो, यहाँ पर बता देंगे ये क्यों ऐसा हुआ, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या चलती है
tangential velocity at capital P is equal to limit delta T approaches to the zero delta S upon delta T is equal to ds dt. और ये फार्मूला आप याद रखना, न्यूमेरिकल लगाते वक्त इसका खूब इस्तेमाल होता है. ये तो निकल गई टेंजेंशियल. अब हम निकालेंगे क्या, नॉर्मल. तो नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब सोचो जब आपने टेंजेंशियल निकाला, बर्डिंग पकड़ते रहना बस खाली और कुछ नहीं, बहुत मक्खन की तरह चलेगा. टेंजेंशियल निकाला तो टेंजेंट के अराउंड डिस्प्लेसमेंट चुना. अब आप क्या निकालो, नॉर्मल. तो आप ये पता करना डेल्टा टी में नॉर्मल के अलावा अगर आप चले देते तो आप कितना बदलाव करते. तो नॉर्मल के अलावा देखो हम कितना चले, क्यू एन. नॉर्मल का मतलब जहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर आप चलते तो कितना चलते, तो क्यू एन चलते नॉर्मल के अलावा. देखना इसी बात आपकी बात है साइन में जाएगा और साइन एप्सिलॉन का मतलब जीरो चलेगा. मतलब इसमें नॉर्मल वेलोसिटी कितनी निकलने वाली है, जीरो निकल. नॉर्मल वेलोसिटी एट क्यू अडी का नॉर्मल वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट कैपिटल पी पर नॉर्मल वेलोसिटी लिखा जाएगा. दिस इज इक्वल टू इट इज नथिंग इट इज डेल्टा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो डिस्प्लेसमेंट अलोन. डिस्प्लेसमेंट along normal, displacement along normal at capital P in delta T whole divided by time delta. Point capital P पर अगर आप normal के along चले होते तो जितने का displacement होता वो divided by time interval delta T. ये होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो क्यूएन क्यूएन अपॉन डेल्टा. और ट्राइंगल फिर सामने बना है, क्यूएन बता सकते हो सारे लोग. कॉर्ड पी क्यू इन टू साइन एप्सिलॉन, ये तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो कॉर्ड पी क्यू अपॉन into sin epsilon upon delta. फिगर तो हम बता ही सकते हैं इसकी जो पहले है. अच्छा तो नहीं कर रही बात,
की कंडीशन ऐसे खराब है, किसी का लीनियर अच्छा होता है, मेरे बच्चे टीके टीके में कहा कि टीके में भी पढ़ा रहे हैं, यही यही चल रहा है। अभी मुख्य स्टेबल अच्छे करते हैं बच्चों का, उनकी भी हालत खराब है। अभी देखो उसके नीचे पड़े ना खंभे लाइट के नीचे पड़े थे, और चाहे अपने घर बैठ के पढ़े लेकिन दूसरा कोई पुस्तक उसको कहानी बताना चाहता है। एक बहनी है बता दी, एक लड़की पढ़ने आती है उसको बता दूँ कहीं भी जीएनस का ही पेपर आता, अच्छा हर साल जीएनस का ही पेपर आता है, ये तो जीएनस खुद नहीं जानते हर साल मेरा ही पेपर आता है, और उनको पता है जीएनस का ही पेपर आता है, इसी साल किसी का पेपर होता क्या है, जैसे पढ़ा रहे हैं अब पेपर आए जो जो पढ़ाए हैं भिड़ जाए तो तुमको लगेगा अब सर का पेपर आया है, ऐसा थोड़ी पेपर बनाते हैं तो कहाँ से रहा गड़बड़ी है। एक बार थर्ड ईयर में ये किस्सा हुआ, थर्ड ईयर में हम हमेशा रियल ही पढ़ाते हैं, 12 से ज्वाइन किए 17 तक छोड़े रियल ही पढ़ाते, कोई और पेपर थर्ड ईयर का हमको नहीं मिला पढ़ाने, रियल मेरा ठीक था रियल पढ़ाने दे दिया। हुआ क्या, साल 2014 में हम टिक करवाए लास्ट दिन टिक करवाए, पता नहीं क्या था उस दिन ऐसा कुछ था, टिक कराने के दौरान 35 क्वेश्चन हमने डबल स्टार टेबल स्टार करके टिक कराए, 35 क्वेश्चन बस, और बाकी और कराए थे सिंगल स्टार, 35 में दो लॉन्ग क्वेश्चन तो दोनों लॉन्ग बस गया, और उस समय जो पेपर का पैटर्न था उस समय ये था 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग और पेपर पूरा हो गया आपका, शॉर्ट के 5 थे और 35 में जो टिक कराए थे 4 उसमें शॉर्ट बस, एक जो बचा वो एक कहाँ से बता जो हम सिंगल स्टार टिक करवाए थे, अब हो गया 5 तो 7 और लड़के पेपर दे करके निकल रहे हैं तो बोल क्या रहे, ये वो सब जो पढ़ाए थे ना वही आए थे, पेपर हम वो सर ही बनाए थे, अरे हमारे कान में बात पड़ी, हम लोगों को बुलाए हम क्या पगला बुलाओ ना ना दुनिया हमारी जगह सही करवाओगे, हमें डॉग बेसिस पे पढ़ाते हैं, अक्टूबर नहीं है मेरे को अथॉरिटी की पेपर बनानी, कहाँ हम पेपर बनाएंगे, तुमका बिल गया मिल गया उतने समझ लो चौबे बैठे थे लॉन्ग फूल मारती होंगे, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती है ब्रह्मांड में हमेशा नहीं Thank you.
अभी देखो बंद किया बंद कर इसी तरह इसमें सुनो ये पॉइंट कैप्टर की है इसका लाइन और पॉइंट कैप्टर की है सारे लोग फिगर देखो एक कर्व है कर्व के ऊपर दो पॉइंट किया कैप्टर बी कैप्टर क्यू दोनों पर टेंजेंट खींचा एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ट्रायंगल बना रहा है ये कितना है साई है हॉरिजॉन्टल के साथ ट्रायंगल बना है ये कितना साई तो कैप्टर क्यू इसका नाइबरहुड पॉइंट है साई में बहुत नहीं बदलाव आएगा थोड़ा सा बदलाव आएगा साई प्लस कितना जाएगा डेल्टा साई अच्छा ये बताओ सारे लोग इधर देखो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है दिस 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 आया ना ये कितना ये आपका ट्रायंगल है अगर ये एंगल साई प्लस डेल्टा साई है ये साई है तो पक्का ये एंगल डेल्टा साई होगा क्योंकि ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है तो इसका मतलब ये एंगल जो यहाँ पर बना हुआ है ये आपका डेल्टा साई तो ये सामने वाला भी कितना होगा डेल्टा साई वो भी डेल्टा साई होगा ठीक हाँ सुनो अपने को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है मतलब वेलोसिटी में होने वाला बदलाव कौन एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वेलोसिटी यही एक्सीलरेशन होता है तो पॉइंट कैपिटल पी पर वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं v और पॉइंट कैपिटल क्यू पर वेलोसिटी बढ़ करके हो गई v प्लस डेल्टा चेंज आया वेलोसिटी अब वेलोसिटी में चेंज आया तो अब मुझको एक्सीलरेशन निकालना है मतलब एक्सीलरेशन का वो पार्ट जो किसके अराउंड होगा टेंजेंट के अराउंड दैट्स कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फिगर बना लो पहले फिगर बना लो तब चलते हाँ फिगर बनाना पड़ेगा और सर पहले बना लिया तब समझाए पहले बनाओ सर तुम बनाओ पहले फिर समझा रहे यार तैयार कर छोटा कर अरे बनाओ 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 समझा बिना समझाए वैसे आगे नहीं बढ़ते हैं 10 बार समझाएंगे तुम सबसे बड़ी कच्चे टाइम की है खाली बस केवल टाइम या बैठने के लिए तैयार हो 3 से 4 बजे देखो अभी मुझको टाइम कच्चा खत्म हो तो हम ही जान रहे ना 3 से 4 कौन बैठ गया हम क्या यहाँ पे बैठने तैयार हो मेरी टाइम की कच्चा खत्म हो जाएगी 3 से 4 3 या 4 बजे तक बैठने तैयार हो टाइम कच्चा खत्म जैसे पढ़ाना चालू करोगे ना कभी उस दिन तुमको भी यही पता चलेगा जब तुम लोग वहां उस जगह पर बैठते हो तो तुम लोगों को लगता है यहाँ पुरुष लटकाया जा रहा है यहाँ वाला रास्ता है वो लटका नहीं रहा तो समझाने के चक्कर में टाइम खींच रहा दीपेंद्र मेरे यहाँ पढ़ते थे ना जब दीपेंद्र कमलेश सब लोग पढ़ते थे सब सब स्टूडेंट लाइफ में सबको यही लगता है सब कोर्स लटका है सबको यही लगता वो लोग भी पढ़ते थे उनको भी यही लगता था अब उनको समझ में आ रहा है डिग्री पढ़ना कितना जरूरी है तब उनको भी लगता था उड़ा उड़ा करके पढ़ा दिया जाए सही पूरी पावर सीरीज जैसे कॉम्प्लेक्स की जरिए कुछ कुछ चालू किए ये लोग कि सर इतना 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 हम पूरी पावर सीरीजियाँ बंद कर दिए थे उस साल जैसे थर्ड ईयर को भगा दिए वैसे पावर सीरीज बंद कर नहीं पढ़ाए उन लोगों को पावर सीरीज और उसके बाद आज जब दीपेंद्र खुद पढ़ा रहे ना तो आज दीपेंद्र सुबह घर जाते हैं भाग करके आते हैं फिर कोचिंग जाते हैं जैसे लगता है ना कोनो लुआठा लेकर के उनको खदेड़ दिया वैसे ही अब पढ़ा रहे दौड़ दौड़ कर अब हमको पता है टाइम क्या होता है ऐसे तुम लोगों को भी पता चलेगा सुनो फिगर सबके बन गए बात समझो ये एक कर्व इस कर्व के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है जब पार्टिकल कर्व के ऊपर मूव कर रहा है तो पार्टिकल पॉइंट कैपिटल पी पर पहुंचता है एक पर्टिकुलर टाइम पर जब पर्टिकुलर टाइम पर पी पर पहुंचता है तो पार्टिकल के पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बी है तो टेंजेंट के अलावा काम की और जिस टेंजेंट के अलावा काम कर रही है वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है साइन थोड़ा सा टाइम बीतता है डेल्टा टी
30 टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन पी से हट करके कहां जाती है, क्यू पर। तो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में जितने का चेंज आया माइनूट चेंज डेल्टा वी आया, तो यानी पॉइंट कैपिटल क्यू पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई वो कितनी, वी प्लस डेल्टा वी। अब डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ने दो पोजीशन, पहली पी और दूसरी कौन हो गई क्यू, और दोनों पर उसकी वेलोसिटी एक पर वी हो गई दूसरे पर वी, पर वी प्लस डेल्टा वी, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में जो चेंज आया इसी का रेट निकाल दो, वही आपका कौन होगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि आप किस वेलोसिटी में चेंज निकाल रहे हो, टेंजेंशियल, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और कैपिटल क्यू पर चूंकि नाइबरहुड का पॉइंट है इसलिए कितने का एंगल बनाएगा, इस पर खींचा गया टेंजेंट साई प्लस डेल्टा साई, ये एंगल हुआ साई प्लस डेल्टा साई, ये एंगल कितना है साई, मुझको पता है अगर नवे क्लास की ज्योमेट्री थोड़ी सी याद हो तो ये बात पता होती है कि ये एंगल जो होता है ये अंदर के इन दोनों जो दूर मौजूद एंगल है इनके सम के बराबर होता है। तो अगर ये साई प्लस डेल्टा साई है जिसमें से ये साई है तो ये पक्का कौन होगा, डेल्टा साई। और इसके सामने हिंदी में इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो खपड़िया पे एक दूसरे एक सट के बैठे हैं, तो ये डेल्टा साई, तो ये भी कितना होगा डेल्टा साई। क्लियर है, आप सुनना, ये जो वेलोसिटी का पार्ट है इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ो तो गौर करो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये निकल जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो निकल करके आएगा वाई भी आएगा। बनाना एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सा वर्टिकल, सभी को पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये बताओ ये और ये पैरेलल आ रहे हैं, गौर करना ये पैरेलल। तो अगर ये डेल्टा साई है तो पक्की बात है ये एंगल भी क्या रखा होगा, डेल्टा साई। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करो तो होता है बी प्लस डेल्टा बी कॉस डेल्टा साई, आया ना। तो अगला पता है वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी प्लस डेल्टा बी साइन डेल्टा साई, मिला। अब वेलोसिटी का चेंज सुनना, बाद में टाइम से डिवाइड लगा देंगे, वेलोसिटी का चेंज सुनना। जब पार्टिकल क्यू से पी पर जा रहा है तो सोचो पार्टिकल यूं घूम रहा, तो टेंजेंट वेलोसिटी क्या आ रहा होगा, टेंजेंट वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी में ये जो पुरानी वाली वेलोसिटी ये खिंचाव पैदा करेगी, ये इसको डिक्रीजमेंट दे देगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल केलॉन जो ये जो आपका टेंजेंशियल केलॉन वेलोसिटी में चेंज आया होगा वी प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा साई बाद की वेलोसिटी माइनस पुरानी वी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और टाइम हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो। दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सोचो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल वेलोसिटी और पुरानी वाली नॉर्मल वेलोसिटी जो उस पर बदलाव दे रही थी, लेकिन पुरानी नॉर्मल वेलोसिटी तो कितनी जीरो, तो उसके लिए तो केवल एक होगा। नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करें तो देखो यन ए नॉट अवेलेबल, नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो, बाद की नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है बाद की वी प्लस डेल्टा वी और कितना साइन डेल्टा साइन, पुरानी नॉर्मल वेलोसिटी कितनी थी जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा। फिर से वापस सुनना यही चीज वहां लिखने जा रहा है, फिर समझाते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आया वो लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट कैपिटल पी मिलता, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट कैपिटल पी इज इक्वल टू, अब इसको समझाते लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट एट कैपिटल पी इन डेल्टा टी, वेलोसिटी में होने वाला चेंज पॉइंट कैपिटल टी पर किस में टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब वेलोसिटी का चेंज सुना जो माइनस हो रहा है, वेलोसिटी के चेंज की बात सुनो, एक कर्व पर चल रहे हो ठीक है, जब एक कर्व पर चल रहे हो तो हाइपोथेटिकली अज्यूम करना, बाइक से ही समझ लीजिए, जब तुम बाइक से बहुत तेजी से आ रहे होते हो तो जहां पर मोड़ पड़ता है वहां पर क्या हाल होता है, मोड़ के वक्त बाइक तिरछी करनी पड़ती है निश्चित तौर पर, और जैसे बाइक तिरछी करते हो तो उसका सोचो एक कंपोनेंट तो यहां से शॉर्ट से पार हो गया टेंजेंशियल, अब दूसरा जब आप हल्का टाइम इंटरवल डेल्टा टी में गए तो आपका जो ये टेंजेंशियल वाला है ये इधर जा रहा है और अगला टेंजेंशियल थोड़ा हट के जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पुरानी वाली वेलोसिटी नए वाले को खींचाव पैदा करेगी,
उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया, माइनस बी लग गया। या खुद ऐसे अज्यूम करना, तुम दौड़ते हुए जा रहे हो और तुमको एक मोड़ पर मुड़ना है, क्या वैसी स्पीड में सट से मुड़ जाओगे, भूल लुटनिया ले लोगे। इसका मतलब तुम जब वहां पर मुड़ने लगोगे तो तुम्हारी जो नई वेलोसिटी आ रही है टेंजेंट वाली, पुरानी वाली उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, वही उसका अंतर, नई वेलोसिटी में डिफरेंस पैदा होगा। मतलब घूम गए तो काहे का डिफरेंस पैदा होगा, फिर तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो। आप सुनना, बाद में टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना, v plus delta v cos delta sin, cos delta sin, और माइनस पुराना वाला कितना था, v whole divided by delta, नोट करो। दो तरीके सॉल्व करने के, अलग अलग करके cos का एक्सप्रेशन लगाएं, सीधे यहाँ पर एक हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते, हम लोग शुरू में कैटेगरी को प्रूव सीख चुके हैं। डेल्टा टी अप्रोचेस टू द, इट मींस साइन नॉट डेल्टा साइन अप्रोचेस टू द जीरो। अब ये सुना, डेल्टा साइज वेरी स्मॉल, सोच के जवाब देना, डेल्टा साइज वेरी स्मॉल, कॉस डेल्टा साइन का एक्सपेंशन याद करो, कॉस डेल्टा साइन का एक्सपेंशन अपने पास होता था 1 माइनस ही डेल्टा साइन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस डेल्टा साई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस अप टू सो ऑन। लेकिन उसको पता है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इट मींस डेल्टा साई आल्सो अप्रोचेस टू द 0। व्हेनेवर डेल्टा साई अप्रोचेस टू द 0, डेल्टा साई का होल स्क्वायर या हायर डिग्री का नॉट छोटे होते जाएं, नेग्लेक्ट कर बचा केवल की बात। तो हम लोग चाहें तो इसको सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द 0 प्लस डेल्टा वी इनटू 1 माइनस वी अपॉन डेल्टा। और कहीं पर ये लिखे सिंस दिस, और ऐसा लिखे ना नेगलेक्टिंग दिस, और याद रहे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, नेगलेक्टिंग दिस ऐसा लिखे, नेगलेक्टिंग दिस लगाने मेरा ज्यादा फायदा, इतने को नहीं छोड़ो।
क्योंकि v बराबर कुछ को पता है dsdt होगा। तो अगर हम v की जगह पर dsdt करते हैं तो सोचो dsdt का डिफरेंशिएशन t के लिए d2sdt2 आएगा। ये बनेगा दैट इज अर्थात टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट कैपिटल t इज इक्वल टू dt of ds dt and this is equal to d2s dt2। भैया जिनको भूलने डर लेते ना सेंस d बराबर ds dt, हालांकि भूलना नहीं चाहिए ऐसा। फिर भी अब इसको और एक फॉर्म लेकर के चल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में किस फॉर्म की कब जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डेरिवेशन खूब जम के पूछ जाते हैं दोनों, चाहे वेलोसिटी का हो चाहे एक्सीलरेशन। पांच पांच मिनट दुनिया नहीं बर्बाद हुई है, सब जो दिखे एक एक लाइन का सवाल दस नंबर, अब दस लाइन वाला सवाल एक नंबर कितना अच्छा है। डी टू एस डी टी टू को बदलने की शुरुआत करें, देखना डी टू एस डी टी टू कैसे बदलेगा। आंसर इसके साथ डी टू एस डी टी टू इज इक्वल टू, इधर इधर सारे लोग ध्यान दो, क्या हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो इसी को तोड़ करके तो हम लोग लिखते हैं डी डी टी ऑफ डी एस डी टी, यही तो लिखते हैं। इसको और सुधार इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी एस ऑफ डी एस डी टी इंटू डी एस डी लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, ये कौन डी एस डी टी स्मॉल डी बगल में लिखा, ये कौन है स्मॉल डी, मतलब ये लिखा गया है। अब इसको देखना वी इंटू डी जी एस ऑफ डी दैट इज इक्वल टू डी इंटू वेलोसिटी v मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू आर्कुअल डिस्टेंस स्मॉल s, ये भी आपका कौन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। न्यूमेरिकल लगाने के दौरान किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, मान लो न्यूमेरिकल लगाने के दौरान एक रिलेशन ऐसा मिला जो केवल v में और s में है, तो जब केवल v में और s में होगा तो वेरिएबल सेपरेबल के तरफ v के टर्म एक तरफ s के टर्म एक तरफ और इंटीग्रेट करके s बराबर फंक्शन ऑफ v मिल सकता है। याद आया, बस उसी लिए इसको निकालो तब जरूरत पड़ सकती है v into dv ds। अब सारी बातें एक जगह पर क्लियर हो इसलिए एक फाइनल फार्मूला है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट कैपिटल p इज इक्वल पहला निकालें d2 ds d2 s d2 इज इक्वल दूसरा निकालें v into dv और एक और निकालिए कौन सा था dv dt ना dv dt निकालें करके पूरा फॉर्मूला फॉर द टेंडेंशियल एक्सीलरेशन बात आ रही है नॉर्मल एक्सीलरेशन और आगे आखिरी ऑप्शन पेपर चल रहा था 20 तारीख तक का फाइनल टाइम आगे 20 तक को भी हाथ पे दे इसी 20 तक वेट नहीं करें आगे जाओ पूरा स्वागत है। सबसे अच्छा हम क्यों वो कोई खराब होने 20 तारीख के पहले कुछ भी हो सकता है। ये वो ठीक है, कभी ऐसा काम नहीं करें।
मेरे ऊपर क्लेम कर रहे हो, तीन पेपर पूरा दिया, पंपे सेलने का भारी भारी पेपर पूरा खत्म करके दे दिया, उसके बाद क्या भाई बता रहे हैं सर्विस लेवल ना ऑप्शन पेपर हॉस्पिटल में कहना, ऑप्शन पेपर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, कोचिंग वाले का पहले इसलिए पढ़ा रहे, ऑप्शन पेपर कॉलेज का पेपर, कोचिंग का पेपर नहीं, कोचिंग में दो कॉलेज हो गए, कहनाई का चल रहा है टेंशन, जनपद सहायता हो गया एल पी पी, अब बैच बांटो घंटे आपके वही उतने, उसी में आप बैच बांटो और उसमें आप आ रहे हो एक तरफ एल पी पी पढ़ाने, एक तरफ टेंशन पढ़ाने, हाँ एक ही में या फिर सारे कॉलेज मिल जाते एक ही ऑप्शन पेपर चला सकते, नहीं ये लड़कों को भी नहीं चुने देते, ये ऑप्शन को भी कंपलसरी कर दो, मेरे यहाँ पे टेंशन ही चलेगा, आप टेंशन ही भरो, जबकि ऑप्शन पेपर बांटो हमको जो पेपर समझ आए ना वो भर सकते हैं, वो चुन सकते, ऑप्शन का मतलब ही ऑप्शन मेरी चॉइस है, यहाँ ऑप्शन को भी कंपलसरी कर दो, और उसमें भी हमको कोई मार्क्स दिखाएगा ऑप्शनल पेपर के लिए, बिल्कुल थर्ड ईयर वर्ड ईयर में तो कम बता रहे, कभी थर्ड ईयर में अगर टकरा चलना होगी ना ऑप्शनल के लिए हमसे बिल्कुल ना आएगा, पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, बाकी ये मत कहना ऑप्शनल का सिलेबस बात है इसका, तुम तो मैच लोगे ही नहीं ना थर्ड ईयर, तो तुम्हारे पास क्या बताए साइंस के सब्जेक्ट है ना बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, ऊपर का पसंद ना नीचे से रहता है साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट में नहीं रहता ऐसा नहीं, आर्ट में नहीं रहता, आर्ट वाले बदनाम करती है उस सब्जेक्ट को, एक लोग पीली पीली ज्ञान होते पीछे घुसे रहते हैं, उठाए उसको पॉकेट में घुसर दिए चले गए ना, कमी रख ली है जब मन क्या बर्बाद है और बर्बाद कर दिए पूरा बी ए, जबकि बी ए बर्बाद नहीं, बी ए बहुत अच्छा पास निकल ये हो नॉर्मल एक्सीलरेशन रेट की है, नॉर्मल एक्सीलरेशन एट कैपिटल बी, नॉर्मल एक्सीलरेशन एट कैपिटल बी सबको पता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू का जीरो, लिखो उसी बात को, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू का जीरो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल एट कैपिटल पी इन डेल्टा टी, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और अब तो पता है बाद में नॉर्मल वाला कंपोनेंट कितना था, वी प्लस डेल्टा की साइन डेल्टा साइन, अब पुराने में नॉर्मल वेलोसिटी आई ही नहीं थी जीरो था, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा साइन अपॉन डेल्टा टी क्यू टू नहीं माइनस जीरो, जीरो करने की जरूरत नहीं ना, ये तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा नहीं सर, तो ये जो लिख रही है कहाँ से आ रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी क्या होता है बाद की वेलोसिटी माइनस पूरा टी वाली वेलोसिटी, तो पुराने में नॉर्मल वेलोसिटी पी पर कितनी आई, पुराने नॉर्मल वेलोसिटी के अल्टरनेट के बना लीजिए कितना, सुनो सुनो उसमें एक हाइडी गाली थी नॉर्मल वेलोसिटी एट कैपिटल पी, पलटो देखो उसको कितना लिख दिया जीरो लिख दो, तो नॉर्मल वेलोसिटी एट कैपिटल पी सॉरी नॉर्मल वेलोसिटी एट कैपिटल क्यू नॉर्मल वेलोसिटी एट कैपिटल पी यही तो था, ये बताओ जब पार्टिकल क्यू पर पहुंचा तो उसने वेलोसिटी यानी वी प्लस डेल्टा टी, तो दो कंपोनेंट टूटे एक हॉरिजॉन्टल पर एक कौन सा वर्टिकल, वर्टिकल वाला नॉर्मल के अलोंग चला गया, तो नॉर्मल के अलोंग कितना हुआ वी प्लस डेल्टा टू साइन डेल्टा साइन डेल्टा की वेलोसिटी, अब पुरान की वाली कितनी थी पुरान की जीरो थी, तो इसका मतलब नई वेलोसिटी माइनस पुरानी वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा टू साइन डेल्टा साइन माइनस जीरो और टाइम इंटरवल डेल्टा, अभी पल्ले पड़ा दिस इज इक्वल लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो बी प्लस डेल्टा टी, और सुनो सुनो एक्सेलरेशन है इसको आप लिखने चल रहे हैं, मुझको साइन डेल्टा साइन की लिमिट को ऐसा समय को सॉल्व हो जाए, हम इसमें लिख सकते हैं
sin delta psi upon delta psi into delta psi upon delta. आया बनाकर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा साई अपॉन डेल्टा साई कितना ये लिमिट आपकी बन आप देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो v प्लस डेल्टा v और इसको हम बंद कर दे रहे हैं केवल आया डेल्टा साई डेल्टा यहाँ छोटा देना सिंस सीधा कटा रहे सीधा टू जीरो का सिंस लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा साई अपॉन डेल्टा साई इज इक्वल टू वन डेल्टा वी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा साई स्मॉल क्वांटिटी तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा साई भी स्मॉल क्वांटिटी नेग्लेक्ट कर नेग्लेक्ट किया तो मेरे पास केवल बचा वी इंटू डेल्टा साई डेल्टा और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो यानी वी इंटू डी साई डी टू दैट्स आवर नॉर्मल एक्सीलरेशन क्लियर हुआ चलो लिखने की शुरुआत करो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू का जीरो ऐसा लिखना वी इंटू डेल्टा साई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी डेल्टा साई डेल्टा टी और नेग्लेक्टिंग एज इट इज वेरी स्मॉल ये बहुत छोटा इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं और नेग्लेक्ट किया तो मेरे पास केवल बचता है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू द जीरो वी इंटू डेल्टा साई डेल्टा टी सारे लोग यहाँ पर इसलिए होगा डी साई डी टी दिस इज इक्वल टू वी इंटू डी साई डी अभी काम खत्म नहीं है अभी इसको वहाँ लेकर के जाएंगे जहाँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी साई नजर आया ना साई और मुझको इसमें पता है कि हम आर्कल लेंथ स्मॉल एस लेके चले तो जब जब एस और साई आता है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर याद आता है डी एस डी साई डी एस अपॉन डी साई याद आ रहा है यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू बी इंटू डी साई डी एस और इंटू डी एस डी टी सहमत हो ये बताना डी एस डी टी कौन होता है डी एस डी टी स्मॉल बी तो स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी स्क्वायर यानी दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर इंटू डी साई डी एस और उसको पता है डी एस अपॉन डी साई तो रो होता है डी एस अपॉन डी साई रो होता है ये तो उसका उल्टा है वन अपॉन रो हुआ यानी दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन रो यहाँ पर बता देना सिंस क्योंकि डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो दैट्स द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गई सब लोग जान प्रश्न में सब कुछ भी नहीं था आपको सब है गजब में जल्दी इतना कौन अच्छा इतना प्रश्न नहीं गया था कि ऐसा क्या एक दिन घर द्वार खुल जाओगे कुछ नहीं बैठ गए तो अभी घर नहीं जाना आपको हाँ
ना घर भूलने से फायदा, ना अपना नाम भूलने से फायदा, बस ये भूलने से फायदा कि हमने किराए में एडमिशन लिया है बीएससी के स्टूडेंट, ये भूलने का फायदा ये भूल गए तो हमारी आदाश चली गई मान ली जाएगी, तुम्हारा याद चालू हो जाएगा एग्जाम में पता। इसीलिए अगर लिमिट ऑफ एफ वन इंटू एफ टू इंटू एफ थ्री इंटू एफ फोर निकालना है सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूसरी सुनो, हम जरा जितनी बातें निकाली हो वो सारी उठा के एक लाइन में लिख रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी नॉर्मल निकाल लेते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है लिखना, देयरफॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन एट पी, देयरफॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन एट कैपिटल पी इज इक्वल टू, ये होता है सबसे पहला हम लोग निकालेंगे, ये देखो ये वी इंटू डी साई डी टी निकालेंगे, तो पहला होता है वी इंटू कह सकते हो कि क्यों नहीं फाइनल कही, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मुझको कोई भी रिलेशन किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, हो सकता है डी साई और टी में हो, आप सोचो अगर डी साई डी टी में होगा तो साई का अलग और टी का अलग, वेरिएबल सेपरेबल, साई और टी के रिस्पेक्ट में रिलेशन मिल सकता है, हो सकता है अगले वाले में आ जाए तो अगले वाले में लिखना, दिस इज इक्वल टू टी इंटू सॉरी बी स्क्वायर हालांकि वो है खुद लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख रहे हैं दिस इज फार्मूला फॉर द नॉर्मल एक्सेलरेशन एट पॉइंट कैपिटल पी, लोगों को कहीं पता है पहला मेडिकल तीन बार पूछा गया है, दूसरा मेडिकल जुटाएंगे और नौ बार पूछा गया, उल्टा पहाड़ नहीं पड़ा जाता, नौ एकम नौ नौ गुना तीन, तीन एक तीन, तीन गुना नौ ऐसा तीन का नौ मतलब तीन गुना नौ तीन बार चिंता ना करो अपने सारे लोग ना यूनिवर्सिटी अगर ऐसी चलती रही कुछ दिन और चलती ना तो कोई ना कोई बैच ऐसी है जिसके साथ हम नूर मंदिर में इकट्ठे एक ही अपार्टमेंट बुक करवा देंगे, नूर मंदिर पागल था ना दिमागी तौर पर इलाज होता है वहाँ पर, तो कई चीज़ों के इलाज न्यूरो सिस्टम का भी इलाज होता है, लोग उसको झूठे पागल करना पागल माना कहते हैं, इलाज उनका भी होता है, तो आपको देखना इधर कंसेंट्रेट रखो, प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, आसान आसान प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं, फटाफट में खत्म हो जाए। इफ द टेंजेंशियल इसमें तुमको एक फायदा है, फिगर तुमको ना बहुत लिमिटेड में बनाने पड़ेंगे, लिमिटेड में क्या होता है जितना फिगर बना, जैसे स्टैटिक में हर मेरिकुलम बनाना, हर मेरिकुलम चाहे कैटेगरी पढ़ो चाहे पढ़ो हर जगह पर वर्चुअल वर्क तक में स्टेबल अनस्टेबल में भी बनाना पड़ा, हर मेरिकल का अलग फिगर था, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कई मेरिकल ऐसे निकलेगा जिसको आप बिना फिगर के बनाओ, क्योंकि जो बातें कहें उसी बात को कहकर काम करवा,
if the tangential and the normal acceleration, if tangential and normal acceleration of a particle describing a plane curve, B constant throughout, B constant throughout, prove that, कामा करके लिखा, the radius of curvature, तुम लोग ना लगातार बतियाते रहते हो, कंसेंट्रेट तुम लोग ना साल के शुरू में रह पाए ना आदमी में रहता, अपन ये कहता हूँ उनको गैपी नहीं, भले नहीं हम बनाते हैं ना मिले ना थर्ड ईयर के लिए तो हम पीस करके रह के भले नहीं मिले उनको गैपी, नौकर पता चल जाएगी उनको, उनको साल को समझाते रहे पहले ये तुमको समझाते भले नहीं मिले मजबूरी तुम लोग वहीं पर ले आकर के खड़े करते मतलब कह रहे समझते लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे उनका खाली लैंग्वेज मिले के कैसे तोड़ी जाए तुम लोग उतना ही मेरे लगा पाओगे ना जितना तुम कॉपी में है कॉपी लगा पाओ इसमें भी उनकी क्वेश्चन मार्क लगा पाओ दो दो क्वेश्चन मार्क लगा एक नहीं लगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय रूट इज इक्वल टू 80 प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा सा स्टेटमेंट इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसके दो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है पहला कौन सा टेंजेंशियल फार्मूला बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नक्ष करके बोलो नकल करके डीवीडीटी इक्वल्स डीटी टू ये आपका कौन हो गया डीवीडीटी लेंगे आसान वाला डीवीडीटी आपका कौन हो गया ये आपका हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन होता है बी स्क्वायर अपॉन रो क्यों हमने यही दो फार्मूला चुना सुनो क्योंकि मेरा रिलेशन रो में है और किसमें है टी में तो उसको रो भी चाहिए और उसको टी भी तो पहला हमने कौन सा लिया टेंजेंशियल वो हमने लिया डीवीडीटी बी में और टी का रिलेशन और इसका दूसरा हमने जो लिया वो उसको चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो जो हमने टेंजेंशियल के बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन लिया वो सीधे सीधे बी स्क्वायर बाई रो ले लिया दोनों है क्या क्या रहा है इफ द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट वो पूरे दौरान क्या बना रहता है कॉन्स्टेंट बना रहता है किस बात के दौरान उस बात के दौरान जब पार्टिकल चल रहा होता है और चलते चलते पार्टिकल बना रहता है पार्टिकल डिस्क्राइबिंग पार्टिकल बनाता है अब प्लेन कर पार्टिकल ऐसा चल रहा है कि पार्टिकल प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं आ जैसे पार्टिकल ने पैराबोला बना दिया पार्टिकल चलते चलते गैटरिंग बना दिया पार्टिकल ऐसा चल रहा है कि वो इलिप्स बना दे रहा है या पार्टिकल ऐसा चल रहा है कि वो सर्किल बना रही सारी कौन है प्लेन कर एक ही प्लेन में रह रहे हैं पार्टिकल चलते चलते पैराबोलाइड बना दिया और तो इसका मतलब 3D में आ गया वो कोप्लैनर रास्ता नहीं रहेगा तो ये कह रहे पार्टिकल एक प्लेन कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है तो पार्टिकल जैसे इसी बोर्ड पर चल रहा है बोर्ड पर चलने के दौरान पार्टिकल जिस कर्व को बना रहा है वो बनाता है उसको उस कर्व से मतलब नहीं है तो केवल एक बात है जब पार्टिकल चलते चलते एक कर्व को बना रहा होता है उस दौरान पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट बना रहता है और पार्टिकल का जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो भी क्या बना रहता है कॉन्स्टेंट इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवीडीटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लैम्डा मान लिया दोनों बराबर तो नहीं कहा बस कॉन्स्टेंट बना रहता है तो डीवीडीटी इज इक्वल टू क्या मान लिया लैम्डा और दूसरा आपका क्या दिया है दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन तो वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू न्यू कॉन्स्टेंट मान लिया इतना इसके बाद क्या कह रहे हैं बस इतनी ही शर्त दिया है प्रूव दैट अब आप ये साबित कीजिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट कि आप उस जो प्लेन कर्व बना
के किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो आपको वो मिलेगा रो बराबर ए टी प्लस बी का, रो बराबर ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? चलो शुरुआत करें। सॉल्यूशन सबसे पहली बात मान लेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीटी, डीटी इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा सबको पता है लैम्डा कौन है, कांस्टेंट। अच्छा यहीं से तुरंत एक बात देखो, दिस इंप्लाइज दैट टी भी बराबर है लैम्डा डीटी। हम उसको पता है जिस दिन हम इंटीग्रेट करेंगे ना उस दिन वी बराबर लैम्डा टी प्लस एनी कांस्टेंट से। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम उसको इक्वेशन नंबर बाद में नॉर्मल एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट कांस्टेंट बना रहता है। इतना नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू से। लैम्डा भी दोनों कांस्टेंट है, बाद में भूलना मत, ध्यान देते रहे। लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट और म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। भैया हम इसको बराबर आगे म्यू नहीं लिखे, नहीं कई लोग सोचेंगे लैम्डा म्यू बराबर है, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं था बराबर, बस दोनों कांस्टेंट बने रहते। अब इक्वेशन नंबर वन को इंटीग्रेट कर लो। रीजन जो मुझको आंसर लाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वो है ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें बी शामिल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो और बी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। लिखना इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन बी बराबर लैम्डा डी टी और प्लस एक को कॉन्स्टेंट सी, कोई कॉन्स्टेंट सी। अच्छा डी टी कर दिए क्या, लैम्डा टी प्लस कॉन्स्टेंट क्या था अभी, कौन सा अभी सी जो है ना, सी सी कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ, बस लैम्डा टी प्लस कॉन्स्टेंट। इसी बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में इस्तेमाल करो, सॉरी ये कौन सा था, इक्वेशन टू है। यूजिंग इट इन इक्वेशन टू, यूजिंग इट इन इक्वेशन टू, हाँ इसे इक्वेशन नंबर टू में इस्तेमाल करो। ये अपने को देगा बी स्क्वायर यानी लैम्डा टी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कितना म्यू। अपने को क्या निकालना है, रो निकालना है, रो को इधर लेकर आओ। दिस इंप्लाइज दैट रो बराबर अपने पास आया लैम्डा टी प्लस म्यू, लैम्डा टी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ये भैया क्या इसको ले नहीं ले सकते अंडर रूट म्यू का, आया ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रो बराबर हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू, सारे लोग ध्यान से देखो, लैम्डा अपॉन अंडर रूट म्यू इनटू टी प्लस सी अपॉन अंडर रूट म्यू पूरे का। कई लोगों को दिक्कत है, ये इतनी बात समझ में आई, पूरे का होल स्क्वायर लगाना तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी अपॉन अंडर रूट म्यू पूरे का क्या। अब ये सही है, अब अंडर रूट म्यू से दोनों में डिवाइड लगा दो साइड बाय साइड, तो एक बनता है दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन अंडर रूट म्यू इनटू कितना टी प्लस सी अपॉन अंडर रूट म्यू पूरे का कितना होल स्क्वायर। ये बताओ अगर हम इतने इससे तो लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट, तो लैम्डा बाय अंडर रूट म्यू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या मान लें सी कांस्टेंट, अंडर रूट म्यू कांस्टेंट इसको क्या मान लें डी, तो क्या मिला दिस इंप्लाइज दैट रो बराबर ए टी प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर। जहां पर ए बराबर लैम्डा अपॉन अंडर रूट म्यू और बी बराबर सी अपॉन अंडर रूट म्यू। आंसर अभी तीन बार पूछा गया है, पांच नंबर मुश्किल तो पांच नंबर तीन बार पूछा गया मुश्किल नहीं, डायनेमिक्स स्टैटिक्स से हद तक आसान है। सही बात कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जितना खत्म होगा उसी के बेसिस पर डायनेमिक्स आगे दौड़ेगा,
वो खत्म ही ना हुआ डायनेमिक्स का काम पढ़ा दो। जो लोग ये कहते हैं ना हम शुरुआत से डायनेमिक्स पढ़ा दिए गए, हमको समझ नहीं आता बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के डायनेमिक्स को पढ़ा किस लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की दरकार है इसको सॉल्व करना, या वेरिएबल सेपरेबल लगाए हैं अब यही वहां आए, अभी तो वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो पता नहीं कौन कौन सा लगा है। दस बज के दो मिनट पानी पी करके मिलो अगला मेरे को उठाए। चलो लैंग्वेज सीखना प्रॉब्लम है, क्या ही प्रॉब्लम है, टोटल नौ बार पूछी गई है नाइन टाइम्स अपॉइंट नो अरे हिंदी का अंग्रेजी लिखे This is equal to angular velocity.
क्लियर हुआ? और सबको पता है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी इंटरसेप्ट क्या जाता है, ओमेगा, याद आया? बस यही एक एक्स्ट्रा चीज है, यही एक एक्स्ट्रा, बाकी तो आपने को सब पता है। अब उनको कहा क्या गया वो सारी बात सुना। पहली बात ये कहिए पॉइंट मूव से ना प्लेन कर, पॉइंट किसी प्लेन कर में मूव करता है, सो दैट इस प्रकार मूव करता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल। पहली बात ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर कितना रखना है, नॉर्मल, एक बात। दूसरी बात एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट, मतलब डी साइड डी इज इक्वल टू ओमेगा, जहां ओमेगा क्या समझेंगे फिक्स कांस्टेंट का। दूसरी बात तीसरा हमने को क्या निकाला है फाइंड द कर्व, हम उसको केवल और केवल कर्व निकालना है। क्लियर हुआ? सबको पता है जब आप बात करते हो आर्कुअल डिस्टेंस स्मॉल एस के चक्कर में और टेंजेंट के बनाए गए एंगल साइन में, तो कर्व का इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द यस एंड साइन। याद आया? जैसे कैटनरी का इक्वेशन यस बराबर सी यानी साइन, याद आ रहा है? बस ऐसे ही आपको रिलेशन निकालना है यस के और किसके बीच में, साइन। दिमाग में एक बात रखनी चाहिए, कर्व का इक्वेशन निकालना है मतलब वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द आर्कुअल डिस्टेंस स्मॉल एस एंड एंगल साइन, इनके बीच का रिलेशन वही आप करता है। चले शुरुआत करें, कौन सा? नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, जानना पड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा। क्या बोला नहीं कह सकते, क्या हो गया तुम बताया जाए। सबसे पहले जो दिया गया है वहीं से शुरुआत है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलग अलग टाइप में लिखेंगे ना, अपने उन्हीं को उठाएंगे जिससे मेरा काम आसान है। ये बताओ मुझको रिलेशन किसमें चाहिए, बी में और एस में, लास्ट हमको याद बी में और किसमें चाहिए एस में। तो जरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला देखो, उसमें तुमने कहीं ना कहीं पर बी और एस को एक में कंबाइन किया, बी इंटू डी वी डी एस, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो बी इंटू डी वी डी एस। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया बी इंटू डी वी डी एस और इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है बी स्क्वायर अपॉन ना, तो ए बी के आंसर आप हो गया। इसका मतलब ये कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वी डी एस इज इक्वल टू, सुनो भैया सारे लोग बी को बाहर कर रहे हैं, बी बाहर, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर और इंटीग्रेट करोगे तो पहला रिलेशन बी की और साई के बीच में, बी की और साई के, बाद में अपने लोग यस को प्रोड्यूस करेंगे, यस प्रोड्यूस होगा जो आपको एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिया होगा उससे प्रोड्यूस होगा, पहले ये लिखो और इसके लिए लिखा कोई क्वेश्चन तक नहीं माने, मतलब कोई क्वेश्चन हो क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे बोल देते हैं, एक और लिख देते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो दिया था पहले इतना सब कुछ बोलवा दें, कॉन्स्टेंट की मात्रा, आपको की मात्रा को ये इसका से है
ऐसे ही लिखे हो ना, तो इसके बदल जगह तो होगी, बगल जगह है, अपने लोग ना वहाँ इंटीग्रेट नहीं किए थे, क्योंकि अभी लिखना पड़ता है इंटीग्रेटिंग, अपने इसको सीधे लिखना है यही पर सिंपल। और यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से लॉग बी इज इक्वल टू साइन ये तो इसी लाइन में हो गया, ये इसी लाइन में, इसको यहीं पर ऐसे छोड़े रखते हैं। अभी हम इन्हीं को लेकर के फिर आगे, सिंस b बराबर b टू दी पावर साई अपॉन c, दिस इंप्लाइज दैट सबको पता है b कौन डी एस डी टी, तो ये हो गया डी एस डी टी इज इक्वल टू b टू दी पावर साई अपॉन c, b टू दी पावर साई अपॉन c। लेकिन ये साई का फंक्शन है, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होना ठीक है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अपने लोग इसको तोड़ रहे डी एस डी साई डी टी इज इक्वल टू डी की साई बराबर a e to the power psi plus b।
यस और साई के बीच का रिलेशन इंट्रेंसिक कर्व कहलाता है। यस बराबर सी टेन साई कैटेगरी का कौन सा है? इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेगरी का। और ये क्वेश्चन 9 बार पूछा हमारे पास एक अच्छा होता है ना लिमिटेड अप्रोच वाले लोग हाँ सोचते हैं कि तो सारी दुनिया को पॉइंट हो कुएं एक मिनट करते हैं बस उतने दुनिया पाँच साल का साल ले लिया और दहाड़ रहे हमको नहीं पता सामने वाला 10 साल से पढ़ा रहा है 5 साल तो पढ़ चुका है बीएससी नहीं 5 साल पढ़ेगा 3 साल बीएससी 2 साल बीएससी 5 साल मैं बीएससी 5 साल पढ़ा कौन सा 10-15 साल मेरा एक्सपीरियंस है और हमको 24 साल की एक्सपीरियंस है हम 24 साल के खुद एक्सपीरियंस है मनोज कुमार दिवेदी मतलब एक्सपीरियंस कुमार दिवेदी हटाया जाए हो गया सबका एक्चुअली मुझको कुमार और द्विवेदी की अंग्रेजी नहीं आती of
Find the path. Find the path. पहली बात, और दूसरी बात, velocity small v proportional to the e to the power tan inverse s upon c. ये velocity की बात कर रहा, tangential की और normal की बात नहीं कर रहा, केवल velocity की बात कर रहा. small s being the length of the arc, जहाँ small s कौन है, arc की length है, जिस पर कर्व चल रहा है, उस पर एक छोटा हिस्सा arc ले लो, तो उसकी length कौन है, small s. और small s measured कहाँ से होता है, curve small Small s being the length of the arc on the curve measured from a fixed point. Find the path. आपको curve निकालना है जिस curve के ऊपर particle चल रहा है. Information कितनी दी गई है वो सुना. केवल और केवल दो information. Tangential acceleration बराबर है normal acceleration के. Velocity is proportional to the e to the power tan inverse s upon c. और आपको curve निकालना है. Curve निकालने का मतलब relation चाहिए s के और इसके बीच का, psi के बीच का. जैसे अभी निकाल, फिर तो वही काम यहाँ पर होगा. ऐसे पिछले का आया था a into the power psi plus b, आपकी का देखना था. न्यूमेरिकल हो गया, आपको मिटाया गया, सब लोग मिल चुके. अच्छा कुछ लोग हल्का आपका ही महसूस हो रहा होगा, स्टेबल स्टेबल ये सब पूरी तरह स्टेबल कर दिया था कि नहीं, वर्चुअल वर्क हो गया, स्टेबल स्टेबल हो गया भाई. वो लंबे थे इसमें कम से कम फटाफट फटाफट नहीं पड़ता, एक सवाल उठा नहीं गया. डायनेमिक्स का मतलब क्या है, डायनेमिक्स का मतलब जो चीजें चल रही, तो जो चल रहा है वो अच्छा, और जो ठहर गया, जो ठहर गया एग्जाम चल रहा है अच्छा, चलती कर रहा गाड़ी सर, एक खाए एक चल गया. देखो अभी मुंबई इंडियंस रुक रही है, चल नहीं रही है सर. आईपीएल भी गया है, हम तो देखते नहीं है इसलिए गए नहीं. अब देखो आप क्या अपना ध्यान को चल रहा है, डायनेमिक्स बहुत अच्छी है, उसमें स्टैटिक्स आ जाएगा.
और जहाँ का भी जितने भी ज्यादा स्टैटिक्स में रुक सकते हैं पॉसिबिलिटी है जीत भी सकते अपने लोगों का चल रहा किसी भी तरीके से ये बताओ। अच्छा अब हो गया दिमाग अलग आप सुनो यस और साई के बीच में रिलेशन था तो इसका मतलब यस और साई के बीच में रिलेशन चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा इक्वेशन माना जाए कौन सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल ऐसा माना जाए जिसमें आगे चल करके यस और साई इन्वॉल्वमेंट ले ले आया ना बोलो क्या माना बीस कर रही हो तो फिर वो आप करेगा डी एस बीस आई आया ना सर शुरुआत करो गिवन दैट tangential acceleration is equal to normal normal acceleration यस और साई के बीच रिलेशन चाहिए तो ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये टी टू एस टी टी टू ले लो यस और टी का रिलेशन टी टू एस टी टी टू बी अपने नहीं ले रहे। अच्छा एक और बात की जैसे नहीं ले क्योंकि आगे चल करके कहीं ना कहीं एक और बात लिखा हुआ है वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी और वेलोसिटी नाते वेलोसिटी बी बराबर होती है इसीलिए हम लोग डी एस डी टी बात ये बनेगा दिस इंप्लाइज दैट टी टू एस पूरे को नाम देखो अभी इक्वेशन नंबर इक्वेशन पर ये पूरा अब एक बात जो कार्य वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है उसको भी यहीं पर इंक्लूड कर दो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स सी एस बाय एस लिखना 800 ई प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स ऐसा मान सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू के इन टू पी टू द पावर 10 इनवर्स एस अपॉन सी नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 इसे ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया क्या है आप सुनो इक्वेशन नंबर 1 को क्योंकि यहां मुझको वेलोसिटी दिख रही है मतलब मेरे पास v की वैल्यू है यस के टर्म में तो हम जब चाहे v को खत्म कर सकते हैं मुझको रिलेशन यस और इसके बीच में चाहिए साई के बीच में इतना नहीं चाहिए ना तो हम जब चाहे v को खत्म कर सकते हैं क्योंकि v की वैल्यू पड़ी हुई है किसके टर्म में यस के टर्म में तो चलो अच्छी बात है अब इसको v के टर्म में अब लाएंगे v के टर्म और अब मैं v के टर्म में आएगा तब इसको फिर से लिख लिखना री राइट इक्वेशन पर तो री राइट इक्वेशन पर रीराइट इक्वेशन बनाए सारे लोग जानते हो चाहे लिखो डी टू एस डी टी टू और चाहे लिखो वी इंटू डी एस लिख सकते हैं कि नहीं तो री राइट यहाँ भी लिखे री राइट इक्वेशन वन वी इंटू डी बी डी एस इज इक्वल टू पर आप उधर वाले हिस्से में देखना इधर वाले हिस्से को लिखना है वी स्क्वायर अपॉन रो करके रो डी एस डी साइज सहमत हो सारे लोग डी एस डी सर अभी बताओ ये कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बना दिस रिप्लाइज है ये मेरे पास बना डी 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 एस इज इक्वल टू वी इन टू डी साई डी एस आया ना और यहाँ से मुझे मिला दिस रिप्लाइज है डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू क्या ये कर सकते हैं और क्या इक्वेशन नंबर 3 मान चुके हैं इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो अब ये बताओ अपने पास बी को खत्म करना है लेकिन ये जो रिलेशन है बी बराबर दिस लॉग ले ना इसका दोनों साइड को लॉग आते लॉग ले लो दोनों साइड का टेकिंग लॉग इन इक्वेशन 3 टेकिंग लॉग सॉरी 2 टेकिंग लॉग इन इक्वेशन 2 एंड यूज इट इन 3 इक्वेशन नंबर 2 में लॉग लो और लॉग लेने से जो लॉग की वैल्यू है उसको उठा करके
इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल करो। सीधे सीधे इस्तेमाल करो, सीधे सीधे दिमाग चलाना। ये बताओ ये क्या लिखा है, साई प्लस एक, इधर हमने लिख दिया साई प्लस एक इज इक्वल टू, और सुनो ये लिखा है लॉग बी, और इधर देखते हैं लॉग बी लिखा, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ई टू दी पावर टेन इनवर्स सी एस बाई सी, मतलब इसको लिखा जा सकता है लॉग ए प्लस लॉग ई टू दी पावर टेन इनवर्स एस अपॉन सी, और दिमाग चलाना। दिस इंप्लाइज दैट साई प्लस ए इज इक्वल टू, ए तो रहा अपने पास लॉग के रेंटोइस को, और प्लस समझ ये नीचे आएगा और लॉग ई बेसी वन, तो ये होगा मेरे पास। अच्छा वैसे लॉग ई बेसी टेन इनवर्स एस बाई देख सकते हैं, नोट करो आंसर आ सकता है। एक और बात सुनो, एक कांस्टेंट है आयर लॉग के कांस्टेंट है, अगर हम इसको इधर लाएं तो ए माइनस लॉग के कांस्टेंट होगा, और उसको हम ए डैश वन में छोड़ देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट साइन प्लस ए डैश इज इक्वल टू कितना टेन इनवर्स एस अपॉन सी, यहां बता देना वेयर, जहां पर ए डैश इज नथिंग इट इज इक्वल टू ए माइनस लॉग के, ए माइनस लॉग के। जब इनिशियल कंडीशन रही होगी एकदम शुरुआत, तब चला तो होगा नहीं, पार्टिकल चलेगा तो है नहीं, यानी इनिशियल में पार्टिकल ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की होगी, तो इनिशियली यस बराबर कितना आएगा, और इनिशियली जब यस बराबर जीरो होगा तो उस दौरान जो आपका टेंजेंट होगा वो यस एक्सिस के पैरेलल हो चुका होगा, कि करते स्टार्टिंग पॉइंट पर एपेक्स पॉइंट पर, और उस दौरान साई एंगल भी कितना हो गया, और यस बराबर जीरो और साई बराबर जीरो, चलो रखो टेन इनवर्स जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, साई बराबर जीरो, इसका मतलब ए डैश बराबर वास्तविकता में है। तो इनिशियल कंडीशन को देखते हुए मुझको ये पता चलता है कि ये कांस्टेंट जो एड जुड़ा ये कुछ और नहीं, ये कितना हो जाएगा जीरो, मतलब ये कांस्टेंट ए और लॉग के आपस में क्या हो चुके होंगे, बराबर हो गए, आया ना, लिखना इसी बात इनिशियली, इनिशियली यस इज इक्वल टू जीरो, साइन इज इक्वल टू जीरो, सो इसलिए ऊपर रखने पर पता चलता है ए डैश आल्सो इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो चक ला करके पाइप पे चलना चालू किया ना, कुछ और नहीं, उसने कैटनर ही खुला है, कॉमन कैटनर। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल साइन बराबर कितना,
कभी कभी हो जाए, ठीक है।
क्यों तो समझाया जाए, देख चुके सुनो इधर आओ। अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व, पार्टिकल एक प्लेन कर्व को बना रहा है। इफ द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ईच कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, बराबर नहीं कहा कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वही लैंडा में माने हुए थे ना, बस वही वाली कंडीशन है। प्रूफ दैट द एंगल साई इज गिवन बाय, अब आप साबित कीजिए जो आपका एंगल साई होगा वो दिया जाएगा साई बराबर ए लॉग 1 प्लस बी टी। कुल मिला के दिमाग में एक बात आनी चाहिए, रिलेशन चाहिए साई की और बी की। इस बार रो वाले को गायब कर देंगे, अगर कहीं रो आ रहा है आएगा आएगा भाई, आप यहाँ बात की हो ना एक्सेलरेशन तो बीस बार भाई रो आएगा, तो रो वाले में जो यस होगा वो भी खत्म करेंगे, जो टी होगा वो भी, और रिलेशन केवल साई चाहेंगे और क्या बचाएंगे टी। मेन मोटिव है ना बचाना क्या बस और हटाना क्या, हो गया मिटाया जाए क्या होगा डी इंटू कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं।
ऑफ यहां से मुझको ये मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट v की वैल्यू आ चुकी है। v की वैल्यू कितनी है? लैम्डा t प्लस c1। वैल्यू अगर बढ़े तो अपने को मिलेगा लैम्डा t प्लस c1 डॉट c1, लैम्डा t प्लस c1 d sin इज इक्वल टू u dt आया ना। लेकिन ये तो t का फंक्शन है, इसको इधर कर लो वेरिएबल से पेवर, दिस इंप्लाइज दैट d sin इज इक्वल टू u अपॉन लैम्डा t प्लस c1 और इनटू कितना dt। क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? ये लैम्डा बाहर आ जाएगा तो mu बाई लैम्डा log ऑफ लैम्डा t प्लस c1 इंटीग्रेट हो सकता है, वेरिएबल से पेवर होता है। और इंटीग्रेट कर रहा हूं, और एक कॉन्स्टेंट जोड़ देना है कोई भी काम। अच्छा एक काम करते हैं, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, सीख मत है माइनस सी को फायदा फायदा होगा। इनिशियली जब हम चलेंगे तो इनिशियल में टी बराबर कितना रहेगा? जीरो। और टी बराबर जीरो रहेगा तो साई बराबर कितना? जीरो। तो इसका मतलब अपने ना सी टू का भी जरूरत है इनिशियल कंडीशन। तो अभी माइनस सी टू होता ना, अभी प्लस सी टू ऐड करते तो इधर लाते तो माइनस सी टू होता है, अभी माइनस सी टू है तो क्या रह जाएगा? प्लस सी टू हो जाएगा। इसे कई इक्वेशन अब तक मान चुके हो, तीन मान चुके हो, तो इसे इक्वेशन अब तक चार मान लो, इसे इक्वेशन चार मान लो। और धीमे धीमे रिलेशन साई और टी के बीच में आ रहा है, क्योंकि एंगल साई टी के ही फॉर्म में देना लिखना। इनिशियली अगर हो गया हो सकता तो इनिशियली टी बराबर जीरो लिखते हम, इनिशियली टी बराबर जीरो। शुरुआत में तो टाइम कुछ चला नहीं, तो टाइम टी बराबर कितना हो गया? जीरो। और टाइम जीरो हो गया तो इसका मतलब एंगल साई भी क्या रखेगा? और इसी कांस्टेंट सी2 की वैल्यू पर अब इक्वेशन नंबर 4 दे रखा हूं, जिसको अभी भी निकाले हूं, इसे इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। ये कितना देगा यूजिंग इट इन फॉर, यूजिंग इट इन फॉर ये बन जाएगा साई इज इक्वल टू ये बन गया। एक चीज ड्रॉप कुछ चीजें डायरेक्ट कर लें थोड़ा सा, सी2 की वैल्यू म्यू बाय लैम्डा है, ये भी म्यू बाय लैम्डा है, कॉमन कर लिया म्यू बाय लैम्डा तो बाहर आया म्यू अपॉन लैम्डा। अब सुनो लॉग लैम्डा टी प्लस सी1 और लॉग सी1, तो इसका मतलब ये हो गया लॉग, अच्छा वो भी कौन सा साइन रहेगा? माइनस के साथ, तो लॉग ऑफ लैम्डा टी प्लस सी1 अपॉन उल्टा लिखिए लैम्डा टी प्लस सी1 लैम्डा टी प्लस सी1 अपॉन सी1 निकाल कर सकता है। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ इधर डॉट से सुना, इसको हम लिखने चल रहे हैं लैम्डा अपॉन सी वन टी और प्लस लिख सकते हैं क्या हम इस वैल्यू को ए मान लें और क्या इस वैल्यू को बी मान लें। तो सोचो एंगल साइन किससे दिया जाएगा, साइन बराबर ए लॉग डिग्री प्लस वन, क्या यही आंसर लाना था? यही हाँ क्या हाँ सोचा नहीं लॉग वन प्लस बी डी लिखा दिया।
कल हम लोग ना झूलेंगे सही में, कल ऐसे हो गया वो तो बताया जाए स्पीड के मामले में मेरे ख्याल से सब लोगों को अब याद आना चाहिए स्पीड कौन सी, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और उसी को जो नापने के लिए मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हो वही आपका स्पीड होता है आया ना, तो इसका मतलब इंट्री किसकी होने वाली है अंडर रूट समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। दो तरह की वेलोसिटी पढ़े कौन कौन सी, टेंजेंशियल और नॉर्मल दो पढ़े, तो इसका मतलब आप स्पीड कौन बनेगा, स्पीड बनेगा अंडर रूट टेंजेंशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का, अब यही बनेगा। आई बात समझ में, ये तुरंत पकड़ा करो कि न्यूमेरिकल ने कौन सी नई चीज इंक्लूड की है, न्यूमेरिकल ने वेलोसिटी का शब्द ही हटा दिया, उसने अब इस्तेमाल कर लिया जिसको स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, चाल कैसी क्वांटिटी, वेक्टर और नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है, क्योंकि वेलोसिटी बताते वक्त आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और डायरेक्शन बता देते हो, अगर केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहे हो तो आपका ही स्पीड होता है। विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड पी, इफ द एक्सेलरेशन, इफ द एक्सेलरेशन, इफ द एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट बी, अगर किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन वो ये है बी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द, देखो नया नया शब्द लिया इंट्रिंसिक, अब तक ये लोग कहे फाइंड द पाथ ऑफ द कर्व तब भी इंट्रिंसिक ही आएगा, यस और साइन अभी भी वही आएगा, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कर्व, आज से अगले पेपर में लो सात सही है, बोलो प्लीज ना पक्का कोई हो जा रहे हिसाब से बात
अरे तुम्हें जान लूंगा, 7 से 12 बजे की अगर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ पा रहे हो तो कल को अगर तुमने से कोई टीचिंग करेगा तो एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा सकते हो। तो ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ने की जानकारी करता है वो खड़े होकर के पढ़ाने की जानकारी कर सकता है। ये बैठ के पढ़ने की कहे नहीं कि बैठ करके कोई सो रहा हो तो उसको भी कहें, बैठ के पढ़ने की जानकारी रहता है। जो परपेंडिकुलर होता है बोल से डाला गया परपेंडिकुलर स्क्वायर थी उसके रिलेशन उसको पेडल इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे ही अलग है और x और y के रिलेशन कार्टेशियन तौर पर तो दुनिया दुनिया जानती है। आओ चलो मैं तरीका देखो, ये करो जो लड़का देखो इसके बाद हम लोग पढ़ा है। अब पार्टिकल डिस्क्राइब अगर पार्टिकल एक कर्व को बनाता है लेकिन आगे एक बात लिखा कैसा कर फॉर विच एक ऐसा कर जिसके लिए यस एंड साइन वैनिश साइमल्टेनियसली, मतलब जिस वक्त यह जीरो होगा उस वक्त तुरंत तुरंत साई एंगल भी क्या हो जाएगा जीरो, एक पे साथ वैनिश का मतलब जीरो होगा, वैनिश का मतलब जीरो होगा खत्म होगा। अब कैसा बना रहा है डिस्क्राइब अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, एक बराबर स्पीड वी पर चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक स्पीड में कोई बदलाव नहीं है, चाल कैसी है एक बराबर की चाल लेकर के चल रहा है। इफ द एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट वी, अगर आप किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालते हो वो एक्सेलरेशन कितना आता है v square c upon s square plus c square, तो उस दौरान find the intrinsic equation of the curve, बताइए curve का equation क्या रहा होगा जिस curve को पार्टिकल जनरेट करेगा। शुरू करें, जो दिया गया है उस पर निकाला था, पहला तो स्पीड दिया गया, स्पीड v बराबर क्या है कांस्टेंट, आपकी स्पीड है v, वेलोसिटी नहीं मान रहे, स्पीड v इज इक्वल टू कितना हो गया कांस्टेंट। अब v मुझको पता है क्या होता है ds / dt, तो ds dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहीं से शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल सारे लोग ले चुके हो, गिवन है v बराबर कांस्टेंट, सारी शुरुआत सॉल्यूशन लेकिन ये तो आप जानते हैं,
इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो केवल और केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो पहले ही कहा है किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन अगर आप निकालने जाओगे तो देखो कितना दिया है, v2 c / s2 + c2, यही दिया। इसका मतलब ये जो v2 / ρ है, रूप बल्कि आपको ये दिया, ये एक्सेलरेशन है एट एनी पॉइंट। हमने निकाला एक, हमने निकाला एक, इन्होंने दिया, ये भी तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज बी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने निकाला बी स्क्वायर बाय रो, इन्होंने भी एक दिया, एक ही पॉइंट पर दो दो एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकते, मतलब जो इन्होंने दिया वो इसके बराबर होगा। आया ना इतना, बट गिवन एक्सेलरेशन एट अपने को ना रो में रिलेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए कर्व का इक्वेशन चाहिए ना, तो हमको यस और साई का रिलेशन चाहिए। तो हम यहाँ से रो की वैल्यू नहीं निकाले बल्कि रो की वैल्यू डी एस डी साई रखते हैं, पलट के क्या होगा डी साई डी एस हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आपसे क्या है, s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू साइन dx। क्या भैया वेरिएबल से ट्रिपल लग सकता है, सोचिए बताओ वेरिएबल से ट्रिपल अप्लाई करो, दिस इज साइन दैट d साइन को मिला d साइन इज इक्वल टू ds इधर तो c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर dx। और एक काम करो, लगे हाथ c स्क्वायर को बाहर खींचो, दिस इज साइन दैट डी साई इज इक्वल टू सी अपॉन सी स्क्वायर बाहर डी एस अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर बाहर के वन प्लस एस बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी में मार दो दो साइड का, एक तो ये सी से सी का कैंसिल आउट होगा, एक 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 बोथ साइड इंटीग्रेटिंग साइन इज इक्वल टू वन अपॉन सी टेन इनवर्स एस अपॉन आया, इंटीग्रेशन को यही होगा। और इसको छोड़ दो, ये आया भैया एक सी बचा ना, एक तो सी बचा दिया निकालना। तो जब यहाँ से वन अपॉन सी मतलब ये पलटे है सी बाई सी, सी बाई सी से सी कैंसिल आउट, अब वो कॉन्स्टेंट एड जुड़ा अब तो जुड़ा गलत है अभी सही है ना। अब सुनो ये पर एक कंडीशन दिया, कंडीशन यस और साई साथ साथ जीरो हो, और इनिशियल कंडीशन लगा दीजिए, इनिशियली इनिशियली यस बराबर कितना जीरो, तो उसका मतलब साई भी साथों साथ कितना हो गया जीरो। अब ये बताओ साई जीरो इधर साई जीरो यस जीरो, तो इसका मतलब टेन इनवर्स ऑफ जीरो दैट इज जीरो, सी वन बराबर जीरो, इसमें इंप्लाइज दैट सी वन बराबर जीरो। और इसका मतलब क्रम क्या बना, क्रम बना डियर फोर साई बराबर टेन इनवर्स एस अपॉन सी यानी एस बराबर सी टेन, वापस कहते हैं यस बराबर सी टेन। और भैया इसी के साथ मैथमेटिक्स का डिग्री सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। अब पहला चैप्टर खुल लो, देखो पहले चैप्टर किसमें जरूरत नहीं पड़ती,
का ही जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हार्ट की क्वेश्चन पेपर पहले चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चैप्टर ज्ञान से धीरे धीरे पांच लेक्चर है वो अपना खत्म करते रहो। पीडीएफ भी दे दिए हैं, वीडियो भी।